हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और रोज़ आईपीएल मैच का आनंद ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ पीवीकेएस वर्सेस एमआई टीम के मैच प्रेडिक्शन। आईपीएल 2023 सीजन का फीवर पूरा छाया हुआ है और पंजाब किंग्स अपनी सेकेंड विन को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस को अपने होम ग्राउंड मोहाली में होस्ट करेंगे। दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ अभी तक 30 मैचेस खेल चुकी है और दोनों ही टीम ने 15-15 मैच जीते हैं। बात करते हैं पीवीकेएस वर्सेस एमआई टीम प्रीव्यूज। तो पहले शुरू कर लेते हैं पंजाब किंग्स से। माइटी चेन्नई सुपर किंग्स को अपने लास्ट मैच में सीएसके की होम ग्राउंड में लास्ट बॉल थ्रिलर मैच हराने के बाद टीम पीवीकेएस ऑफकोर्स आज के मैच में बहुत ही कॉन्फिडेंस नजर आएंगे और लास्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब पीवीकेएस 10 पॉइंट से सीएसके, आरआर और आरसीबी के 7 पॉइंट्स टेबल में खड़े है। लास्ट मैच एक रेयर इंटेंस था जब पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप ने 201 का बहुत बड़ा टारगेट चेस करते हुए कंट्रीब्यूट किया। हरसिमरन सिंह और शिखर धवन ने एक सॉलिड स्टार्ट टीम को दी और आज के मैच में भी ओपनर्स यही ट्राई करेंगे। जहां हरसिमरन एग्रेसिवली खेल रहे है, धवन को फ्रीली खेलते देख के अच्छा लगता है। लास्ट फ्यू मैचेस में अथर्वा और लियम प्रॉमिसिंग नजर आए हैं और सैम करंट एंड सिकंदर रजा अपने ऑलराउंडर होने का जलवा दिखा रहे हैं और यही पीवीकेएस टीम की डेप्थ काबिली तारीफ है। T20 क्रिकेट में खास करके लिविंगस्टोन सबसे खतरनाक बैट्समैन प्लेयर में से एक है। ये एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी कोई स्टेज में कैसे भी बॉल पे सिक्स मार सकते हैं एंड वो एक यूजफुल बॉलर भी है। शिखर धवन के लिए अर्शदीप सिंह इम्पोर्टेंट विकेट्स के लिए गो टू बॉलर रहेंगे। अर्शदीप अभी तक 15 विकेट्स ले चुके हैं और नई बॉल के साथ टीम के लिए एक्सीलेंट काम किया है। ये अपना फॉर्म काहिसो रबादा के साथ शेयर करेंगे जो कि एक साउथ अफ्रीकन लेजेंड है जिनका पेस अटैक अभी थोड़ा लॉस्ट है लेकिन होम ग्राउंड की कंडीशन बेटर हो सकती है। टीम के स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे राहुल चाहर 9 मैचेस में सिर्फ 3 ही विकेट्स ले पाए हैं और उनकी बॉलिंग इकोनॉमी काफी एक्सपेंसिव रही है। बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। पंजाब किंग्स के जैसे मुंबई इंडियंस भी आज के मैच में कॉन्फिडेंट नजर आएंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस ने लास्ट मैच में आरआर के अगेंस्ट रिकॉर्ड टारगेट 213 रन को चेस करके वानखेड़े की हाईएस्ट स्कोर में जीते हैं। हालांकि एमआई के लिए अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन की परेशानी बनी हुई है, रोहित शर्मा दूसरी बार डबल डिजिट स्कोर बनाने में असफल रहे हैं और ईशान किशन वापस एक बार एक अच्छी स्टार्ट को हाथ से जाने दिया। टीम की पॉजिटिव्स पे फोकस करें तो सूर्या कुमार यादव जो पूरा सीजन में स्ट्रगल कर रहे थे अच्छा स्कोर करने में, बड़े ही शानदार स्टाइल से 55 रन्स बना के कमबैक किया और वहीं पे टीम डेविड ने एक यादगार 45 रन्स बनाए सिर्फ 14 बॉल्स में। जब कैमरॉन ग्रीन भी फॉर्म में आए हैं, एमआई के पास अच्छा बैटिंग लाइनअप बना हुआ है और मैच जीतने के लिए जो एक्स्ट्रा रन्स चाहिए वो टीम को मिल सकता है। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और कैमरॉन ग्रीन की प्लेयर्स है और ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि वर्मा एक पोटेंशियल नेशनल क्रिकेटर नियर फ्यूचर में चूज किया जा सकते हैं। पीयूष चावला 13 विकेट्स लेके एमआई के लिए पीक ऑफ द बॉलर्स है और अपनी करियर की इस स्टेज पे पर्पल कैप के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। स्पिनर्स की अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू है, जहां जोफ्रा आर्चर अपनी फिटनेस से बैटल करते हुए अभी तक सिर्फ 2 ही विकेट्स ले पाए हैं। एली मेडेडिथ ऑलमोस्ट पर ओवर 10.5 रन्स देके 7 विकेट्स ली है। अब जब एमआई के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, अब जरूरत है बॉलिंग डिपार्टमेंट को अपनी ए गेम दिखाने की। पीवीकेएस वर्सेस एमआई टॉस प्रेडिक्शन। 4 में से 3 मैचेस खेले जाने वाले स्टेडियम बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और मेरा अनुमान ये है कि टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग चूज करेगी।
फैक्ट ये भी है कि हम आईपीएल के सेकेंड हाफ में है और विकेट्स थोड़ी धीमी हो रही है, ये भी इस फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पिच एंड कंडीशंस, मोहाली स्टेडियम बैटिंग के लिए एक एक्सीलेंट सरफेस है और इस ग्राउंड में 193 का एवरेज स्कोर रहा है। लास्ट खेले जाने वाली मैच में इस ग्राउंड पे एलएसजी ने 257 रन्स बनाए थे, जो अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। रन्स को भी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी। पीवीकेएस वर्सेस एमआई मैच प्रेडिक्शन, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। पंजाब किंग्स लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस एमआई के अगेंस्ट जीत चुका है। पीवीकेएस की बॉलिंग लाइनअप एमआई से ज्यादा बेटर है। एमआई की ओपनिंग बैट्समैन पेयर फॉर्म में नहीं है एंड टीम को अच्छी ओपनिंग देने में स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे अनुमान से आज का मैच जीतने वाला है पंजाब किंग्स। तो आप भी सहमत है तो मुझे मैसेज करके, कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका शाम अच्छा हो।